हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको पता ही होगा कि गूगल का जो सर्च कंसोल है उसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं और कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो आपको नए वाले गूगल सर्च कंसोल में नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो नया सर्च कंसोल आया है उसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का है, पूरा चेंज हो चुका है। पुराना वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुराना वाला सर्च कंसोल इससे बिल्कुल अलग है। तो नए वाले सर्च कंसोल में दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को आपको अपनी वेबसाइट गूगल के सर्च कंसोल में वेरीफाई करानी होती है, जिससे होता क्या है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो पाएंगी, आपकी पोस्ट इंडेक्स हो पाएंगी और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो आपको बेसिकली बताना होता है गूगल को कि हमने ये नई वेबसाइट बनाई है, आप इसे इंडेक्स कर दीजिए। तो आपको वेरीफाई कराने के लिए बेसिकली पहले तो एक सिंपल प्रोसेस आता था, आपको वेबसाइट का डोमेन देना होता था और फिर आपको जो है HTML टैग के थ्रू या फिर DNS के थ्रू आप वेरीफाई करा सकते थे। तो लेकिन दोस्तों, अब जो नया वाला सर्च कंसोल है उसमें एक नई चीज़ आई है, डोमेन प्रॉपर्टी, जिसमें आपको बेसिकली दो मेथड यहाँ पर मिलते हैं वेरीफाई कराने के, एक ये वाला और एक ये वाला। तो लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन से मेथड से वेरीफाई कराना है, कौन से मेथड से वेरीफाई करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है नए गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ बताऊँगा कि ये जो दो तरीके हैं वेरिफिकेशन में, इनमें से आपको कौन सा करना चाहिए और कौन से वाले का क्या बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको यहां पर वेरिफिकेशन करने वाला हूं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरी वेबसाइट है mangeshbhardwaj.com, इसका मैंने डोमेन नेम काफ़ी पहले से लेकर रखा हुआ था, लेकिन टाइम नहीं था तो इस वजह से मैं इस पर काम नहीं कर पा रहा था। तो रिसेंटली मैंने इस पर काम शुरू किया है, मैंने इसका डिज़ाइन वगैरह पूरा कम्प्लीट कर लिया है, 3 पोस्ट भी पब्लिश कर दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट कैसी है। अगर कोई आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ इस वेबसाइट पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यहाँ पर मैं बस 5 या 6 ही पोस्ट डालूंगा और उसके बाद आप इस वेबसाइट पर मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा। तो जो कुछ भी इस वेबसाइट पर करने वाला हूँ मैं एडसेंस से रिलेटेड, या सब कुछ मैं लाइव आपके सामने करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगी उसमें हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लाइव अप्लाई करेंगे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लाइव करने वाले हैं इस वेबसाइट पर, जो भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे ये जो वेबसाइट है अपनी mangeshbhardwaj.com, मैंने इसे डिज़ाइन कर लिया है, 3 पोस्ट भी डाल दी हैं, जो पेजेस वगैरह हैं सब मैंने इसका कस्टमाइजेशन कर लिया है। तो उसके बाद अब मुझे इसे गूगल में वेरीफाई कराना है। तो मैं सिंपली अपने सर्च कंसोल में जाऊँगा, सर्च कंसोल में जाने के बाद लॉगिन हो जाऊँगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड प्रॉपर्टी। अब आपको ऐड प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करने के 2 मेथड दिखते हैं, एक तो सिंपली है आपका डोमेन का और एक है URL प्रीफिक्स। तो अब मैं आपको बताता होता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंपली जो ये हमारा पहला वाला है डोमेन, इसमें आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा बताया हुआ है जो बुलेट्स पॉइंट्स में कि इसका क्या बेनिफिट है और दूसरे वाले का क्या बेनिफिट है। अगर यहाँ पे हम इस वाले मेथड से हम वेरिफिकेशन कराते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपको 3 बुलेट पॉइंट दिखेंगे, ऑल URL अक्रॉस ऑल सब डोमेन, यानी कि आपको यहाँ पर अपना मेन डोमेन जो है वेरीफाई कराना है। जैसे मेरा डोमेन है mangeshbhardwaj.com, तो सिंपली मुझे mangeshbhardwaj.com यहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन कराना है बिना HTTPS के, बिना www.com के। तो इससे होगा क्या कि मेरे जो अगर मैं सिंपली यहाँ पर mangeshbhardwaj.com को वेरीफाई कराता हूँ तो इससे होगा क्या कि अगर इस मेथड से कराता हूँ तो उसके अंदर जितने भी जो है सब डोमेन्स आएंगे या फिर कुछ भी होंगे वो सारे इंडेक्स होने लग जाएंगे। तो इस वाले मेथड का ये बेनिफिट है। मान लीजिए मैं यहाँ पर mangeshbhardwaj.com यहाँ पर वेरीफाई करा देता हूँ तो उसके बाद जो मेरे www.mangeshbhardwaj.com है वो भी इंडेक्स होगा अच्छे से, उसके बाद जो है HTTPS वो सब सारे मतलब जो भी इस डोमेन के अंदर जो भी कैटेगरीज आएंगी सब कुछ अच्छे से इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट देखें, जैसा कि मैंने बताया ऑल URL अक्रॉस HTTPS और HTTP, यानी HTTPS वाले और विदाउट HTTPS वाले सारे डोमेन नेम जो इसके अंदर आएंगे mangeshbhardwaj.com के अंदर वो यहाँ पर
इंडेक्स हो जाएंगे। तो तीसरा और सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, आपको वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ DNS वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, डोमेन नेम सर्वर, तो वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो हम DNS इसमें सिर्फ जो वेरिफिकेशन कराने का एक ही मेथड है वो है DNS वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर URL प्रीफिक्स। URL प्रीफिक्स जैसा कि इस वाले मेथड में क्या था कि आपका जो है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू डॉट है जो मेन डोमेन होगा, अगर आप उसको वेरीफाई करा देंगे तो उसके अंदर जितने भी डोमेन्स आएंगे वो सभी इंडेक्स हो जाएंगे। अब URL प्रीफिक्स में क्या है कि आपको जो है, आप जो है मेन डोमेन इंडेक्स नहीं करा रहे हैं, जो उसके जो अदर देन डोमेन्स है, जैसे www. करके एक हो गया, फिर https वाला हो गया, विदाउट https वाला, तो यहाँ पर वो वाले जो है पर्टिकुलर आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओनली URL अंडर एंटर्ड एड्रेस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही URL इंडेक्स होंगे जो इस पर्टिकुलर जो है एड्रेस वेबसाइट यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उसके अंदर। मान लीजिए आप https. जो है www.mangeshbhadra.com यहाँ पर वेरीफाई कराते हैं तो उसके अंदर वाले सारे URL इंडेक्स होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कोई URL है जो mangeshbhadra.com में है तो वो वाला यहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा। तो इस चीज़ का ये एक कह सकते हैं आप डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपके जो है, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक सब डोमेन है, जैसे मान लीजिए blogging.mangeshbhadra.com है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ इस वेबसाइट के इंडेक्स करवाऊँ, mangeshbhadra.com को ना इंडेक्स कराऊँ, तो उस केस में जो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला बेस्ट है, क्योंकि मुझे जो मेन डोमेन है mangeshbhadra.com उसे इंडेक्स नहीं कराना है, उसका जो सब डोमेन है वो इंडेक्स कराना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये था ओनली स्पेसिफिक फाइल प्रोटोकॉल, यानी जो है जो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आएंगे वही इंडेक्स होंगे। और यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड मिल जाते हैं, जैसे कि पिछले वाले में होता था कि आपको जो है HTML टैग के थ्रू, GoDaddy के थ्रू, या फिर आप जो मल्टीपल मेथड हैं उसके थ्रू करा सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली अब हम जो करने वाले हैं, यहाँ पर मेरे को पूरा अपना डोमेन, मेन डोमेन इंडेक्स करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस वाले मेथड को करूँगा। अगर मुझे सब डोमेन करवाना होता तो आपको ये वाला चूज करना है। तो अगर आप समझ गए कि आपको पूरा डोमेन इंडेक्स करवाना है तो ये वाला मेथड यूज़ किए, अगर कोई पर्टिकुलर सब डोमेन इंडेक्स करवाना है तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे पूरा डोमेन यूज इंडेक्स करवाना है तो मैं ये वाला यहाँ पर इंडेक्स करवाऊंगा अपना जो मेन URL है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है अपना डोमेन नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको विदाउट HTTPS, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, मैं देखिए पूरा जो https.com के साथ डाल रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है मेन डोमेन नेम डालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर सिर्फ डोमेन नेम डालता हूँ mangeshbhadra.com और बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, अब वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से वेरिफिकेशन कराएंगे। और अगर मैं इस मेथड के थ्रू करता हूँ तो पर्टिकुलर सिर्फ इस URL के अंदर जो भी इंडेक्स आएंगे वो यहाँ पर वेरीफाई होंगे। तो सिंपली मुझे ये नहीं करवाना है, मुझे यहाँ पर इसे वेरिफिकेशन कराना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसे, मैंने डोमेन नेम डाला और कंटिन्यू पर क्लिक करा, अब ये जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का, यहाँ पर सिर्फ DNS के थ्रू आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपने GoDaddy से लिया है, Namecheap से लिया है, तो वहाँ के DNS को जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है ये अपने DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये जो कोड आपको मिलेगा ये आपको पेस्ट करना होगा अपने DNS में। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट की के लिए, मैं Bluehost से मैंने डोमेन परचेज किया था mangeshbhadra.com, तो सिंपली मैं उसके DNS में जाके यहाँ पर ये कोड जो है वहाँ पर ऐड करूँगा। तो सिंपली मैंने जो, मैं अपने, मैंने अभी तक जो है GoDaddy की भी होस्टिंग यूज़ की है और ब्लू होस्ट की भी होस्टिंग यूज़ करी है, लेकिन ब्लू होस्ट की होस्टिंग जो अभी तक बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप देखें कि जितनी भी वेबसाइट है 30% ऑफ वेबसाइट जो है सिर्फ ब्लू होस्ट पर, तो वन ऑफ दी रिकमेंडेड जो होस्टिंग मानी जाती है वो ब्लू होस्ट है। तो मैंने यहाँ पर ब्लू होस्ट की जो प्लस वाली जो मेंबरशिप है ये ले रखी है, जिसमें सब आपको अनलिमिटेड डोमेन, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है यहाँ पर, अनलिमिटेड आपको जो है ईमेल्स भी मिलते हैं। तो ये वाली होस्टिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप भी ये वाली होस्टिंग ले सकते हैं। बेस्ट बाइंग लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्लू होस्ट की होस्टिंग का, तो आप यहां से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से फॉलो करके आप परचेज कर सकते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमको वेरीफाई कैसे कराना है। तो सिंपली मैं अपने ब्लू होस्ट के जो है अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं। लॉगिन में होने के बाद हमें जाना है सिंपली यहां पर डोमेन्स में। तो डोमेन्स में जाने के बाद
आपको यहाँ पर अपने जितने भी डोमेन्स आपने यहाँ पे पार कर रखे होंगे वो मिल जाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर दो डोमेन डाल रखे हैं, जो एक मेरा मेन है bloggingqna.com और एक है mangeshbhardwaj.com जो मैंने यहीं से परचेज किया था। तो ये जो mangeshbhardwaj.com है ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था जब मैंने ब्लू होस्ट की होस्टिंग परचेज करी थी। तो अगर आप भी ब्लू होस्ट की होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो सिंपली मैं जो डोमेन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखेगा DNS जोन एडिटर मैनेज DNS रिकॉर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज DNS रिकॉर्ड में मैनेज पर क्लिक करना है और आप जो है अपने डोमेन के DNS में पहुँच जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये DNS में आ गए। तो सिंपली यहाँ से आपको जो है टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कॉपी द टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो इनटू DNS कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है TXT, उसके बाद ये वाला कोड कॉपी करना है। कोड कॉपी करने के बाद आपको TXT वैल्यू में यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है और होस्ट रिकॉर्ड में आप अपने डोमेन का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दिया तो ये जो है DNS में हमारा जो रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर जो है कर दिया, तो अब मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें आपको जो है अगर आप देखें यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, यहाँ 24 आवर्स तक आपको टाइम लग सकता है। तो मैं सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर वो ओनरशिप वेरिफिकेशन फील्ड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया टाइम लग सकता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यू माइट नीड टू वेट फ्यू मिनट्स बिफोर गूगल सी योर चेंजेस टू TXT रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कुछ टाइम वेट करना होगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आधे घंटे के बाद जो मेरा वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइड हो चुका अकाउंट। तो सिंपली अब मेरा वेरीफाइड हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से देखूँ अपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस मेथड से वेरीफाई नहीं करवा पा रहे तो जो दूसरा वाला मेथड था प्रीफिक्स, उससे भी वेरीफाई करवा सकते हैं। उसमें जो है डिफरेंट मेथड है, जैसे HTML टैग्स हो गया या फिर एनालिटिक्स या GoDaddy के थ्रू यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में।